हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप जो है आपकी सीएससी की आईडी में अगर आप नया मोबाइल नंबर या नया ईमेल आईडी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम सीएससी की आईडी अगर लेते हैं तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी देते हैं तो करेंट में हमारे पास वो मोबाइल नंबर इनकेस नहीं हो या फिर हमें वो मोबाइल नंबर रहते हुए ही दूसरा मोबाइल नंबर अगर चेंज करना हो वहाँ पे या ईमेल आईडी चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए सीएससी के एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको उसको अपडेट करना होता है। लेकिन वहाँ पे जो भी कुछ अगर आपको अपडेट करना है उसके लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या तो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए या आपके पास इरिस स्कैनर होना चाहिए। मेरे पास जो है अभी फिंगरप्रिंट डिवाइस है और फिंगरप्रिंट डिवाइस सीएससी में तीन कंपनी के जो फिंगरप्रिंट डिवाइस होते हैं वो सीएससी में अभी सपोर्टेबल है करंट में, जैसे कि मोर्फो का, मिंत्रा का और आपका स्टारटेक का। तो ये तीनों का जो है, तीनों में से कोई भी अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ याद रहे कि आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस के अंदर आरटी सर्विस एक्टिवेट होनी चाहिए। आरटी सर्विस अगर एक्टिवेट रहेगी तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कैसे अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको एक ब्राउज़र यहां से ओपन कर लेना है, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो आप उसको ओपन यहां से कर लेंगे। उसके बाद यहां पे आपको एक वेबसाइट डालनी है, ये वाली वेबसाइट। आप चाहे तो इसको यहां से नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको वहां से भी कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस वेबसाइट को ओपन करने से पहले आपके पास जो भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर इरिस स्कैनर है उसको आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लीजिए और उसको इंसर्ट करने के बाद ही आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे माई अकाउंट के ऊपर जाएंगे। माई अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डालनी है अपनी सीएससी की आईडी और उसके बाद जो भी आप स्कैनर आप रख रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस है और इरिस स्कैनर है, यही दो स्कैनर यहाँ पे अवेलेबल है और यही दो स्कैनर काम भी करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे सीएससी की आईडी डाल देनी है और इन दोनों में से जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे जो ये ब्लैंक बॉक्स है इसको इसके ऊपर आपको टिक करना है और यहां से सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक प्रोसेस ओपन होगा और ये जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके स्कैनर के ऊपर। जो भी आपका इरिस स्कैनर या फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये वहां पर रिडायरेक्ट हो जाता है। अभी आपने देखा जिस तरह का ये प्रोसेस हो रहा था, इस प्रोसेस को आपको रहने ही देना है, आपको इसको रिफ्रेश भी नहीं करना ना बैक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस ब्लैंक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्लैंक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं, एक है ओटीपी, फिंगरप्रिंट और इरिस स्कैनर। तो हमने फिंगरप्रिंट लिया था तो इसीलिए फिंगरप्रिंट पे ऑटोमेटिकली टिक है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस में जो लाइट होती है वो जल जाएगी, आपको आपका फिंगर जो है वहाँ पे प्रेस करना है। तो ये देखिए टाइम आउट हो चुका है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो यहाँ पे ये टाइम आउट हो गया। अब इसको हमें दोबारा से ये स्टार्ट कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें हमारा फिंगर जो है स्कैनर के ऊपर लगा देना है। देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया और फिंगर के ऊपर मैं यहाँ पे स्कैनर के ऊपर अपना फिंगर लगा देता हूँ। अब देखिए मेरा फिंगर जो है यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है रिडायरेक्ट। तो ये देखिए अब ये हमारा जो अकाउंट है अब ये लॉग इन हो गया है। अब देखिए इस इंटरफेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेम यहाँ पे दिखा रहा है, आपका जो स्टेट है वो दिखा रहा है, आपका करेंट मोबाइल नंबर और करेंट ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आपके यहाँ पे सीएससी की आईडी दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे केवाईसी अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप केवाईसी अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन शो करने लग जाएंगे। यहाँ पे आपको केवाईसी अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
कम्युनिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के दो कॉलम आ चुके हैं। अगर आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप नीचे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सेम तरीका है, अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करना है तो अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो करेंट ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साथ के साथ आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।